जहां मैं अपनी इतनी वीडियो शॉपिंग की लगा रही हूँ, वहां मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि यू शुड बाय क्लोथ्स फ्रॉम सो कमाल। तो मैंने कहा चलो वेबसाइट देख लेते हैं कि वो कुछ मतलब ऐसे हैं बाय करने वाले के लिए। कपड़े की तो मैंने बहुत तारीफ सुनी और जो प्रिंट्स एंड डिज़ाइन है वो भी बहुत यूनिक सुने। सो ये इकोनॉमिकल है कि नहीं और मुझे पड़े कि नहीं मेरे पड़े, अगर आपने जाना है तो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलो जी, सोकमाल से मैंने एक नहीं दो नहीं तीन जोड़े मंगवाए हैं। सो ये है जी सिंगल पीस वन पीस शर्ट है और ये तीन है, ठीक है जी, ये तीन है। और सबसे पहला खोल लेते हैं। अच्छा, इसके जो बैग्स है ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बल्कि ये मैंने खोला है तो ये देखिए यहाँ से फट गया। बाकी इनकी जो डिलीवरी थी वो बहुत फास्ट थी, आई वॉज एक्सपेक्टिंग के आज मैंने अगर ऑर्डर किया तो दो या तीन दिन बाद आएगा, बट द पार्सल केम राइट नेक्स्ट डे। और मतलब जब पार्सल आया तो माय मदर सेड कि लगता है इनकी सेल नहीं हो रही, जो फटाफट तुम्हारा पार्सल आ गया, बिकॉज डिलीवरीज में टाइम लगता है क्योंकि पहले पेंडिंग पार्सल्स होते हैं जो निकल रहे होते हैं और फिर आपकी बारी आती है। सो मैंने कहा ना करे अम्मी ऐसे मत करे कि मतलब ऐसे क्यों है। अच्छा जी, दिस इज द फर्स्ट, मैं पिक्चर यहाँ लगा रही हूँ फॉर यू गाइज टू सी। कपड़ा जो है ना, अच्छा जी ये है जी ब्लैक कलर का। अच्छा, इसके साथ उन्होंने लिखा हुआ था जी नेक पीस वन, तो आपको जो नेक पीस है ना वो अलग से इस तरह जो है वो आएगा जो आपने पैच करवाना है। और नेक पीस जो है ना वो, या किसी किस्म के पैचेस जो होते हैं ना वो थोड़े से ना यू नो हैसल होता है, क्योंकि इसके बाद फिर आपने शर्ट की लेंथ और विड्थ काट के फिर आपने पैच लगाने को वाले को देना होता है और फिर दोबारा टेलर को शर्ट देनी होती है, और उससे पहले फिर आपने कपड़े को डिप भी करना होता है और या वो सारा प्रोसेस जो है ना वो चल रहा होता है। ओके, आई सोक इट और द बेस्ट थिंग इज कि इसका बिल्कुल भी कलर नहीं निकल रहा, अमेजिंग, आई लव इट। ये है जी कि इसको मैंने लगवाया कैसे और इसका लुक कैसा आया, और उसके लिए फिर आपको अलग से यू नो चार्जेस भी देने पड़ते हैं। सो और हर बंदा जो होता है ना वो अच्छा लगाने वाला भी नहीं होता, बट अगर आपके कोई आसपास अच्छा लगाने वाला है सो इट इज़ अ थिंग। अच्छा जी, दूसरा मैं आपको पीस दिखाती हूँ। दूसरा मैंने ना थोड़ा सा चुनरी स्टाइल में मंगाया है और यू नो गुलामत की चुनरी कलेक्शन किस किसने देखी है पता है मुझे, अगर आपने नहीं देखी तो शुड आई बाय अ गुलामत सूट। अच्छा जी, ये है जी इसका नेक पीस और शर्ट पे ये इस तरह का लगेगा। बाकी लॉन की बात करूँ तो बहुत सॉफ्ट है, वाकई जिसने मुझे तारीफ की थी कि सो कमाल के शर्ट्स जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, तो वाकई अच्छी तो निकली हैं, आई लाइक इट। और इसकी जो प्राइस है ना वो भी है जी, ईच कॉस्ट मी फॉर लाइक आई थिंक 1100, यस 1100 की पड़ी है मुझे एक शर्ट, यस एग्जैक्टली। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दिस वन, और इसके भी जो अंदर नेक का पीस है वो कुछ इस तरह का। बाकी ये इस तरह की है, क्या है, दिस इज द फ्रंट से जो ऊपर आएगा। बाकी जो नेक पीसेज हैं उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अच्छा, इसका जो पेच है इसके ऊपर ये जो आपको बॉर्डर्स कलर नज़र आ रहे हैं कितने वाइब्रेंट और डार्क नज़र आ रहे हैं, बट व्हेन आई एक्चुअली गेट द शर्ट, जब इसकी मुझे शर्ट मिली ना तो उसके ऊपर ये कलर्स बिल्कुल भी इतने वाइब्रेंट नहीं है, दे आर मोर ऑफ लाइक पेस्टल कलर्स। तो थोड़ा सा ना यू नो सुफियाना वाला कलर सूट लगता है जिसमें जो कलर है ना वो थोड़े से यू नो
फीके फीके से रंग है, सो आई डोंट लाइक दैट. बाकी उनकी वेबसाइट पे तो मेंशन हुआ होता है कि कलर्स कैन बी वेरी फ्रॉम द पिक्चर, क्योंकि पिक्चर्स के ऊपर कलर्स जो है ना वो थोड़े से डिफरेंट नजर आ सकते हैं. अब यहाँ ये कलर्स कितने प्यारे लग रहे हैं, बट कंपेयर टू द शर्ट ये कलर जो है ना वो बहुत लाइट है. सो इफ़ यू वॉन्ट टू बाय दिस शर्ट, आई जस्ट वॉन्ट से के ये बात जहन में रखें कि ये कलर जो हैं ये लाइट भी आ सकते हैं. अब ऑनलाइन शॉपिंग करने का ये तो हो सकता है नुकसान, क्योंकि आपने एग्जैक्ट कपड़ा जो है वो नहीं देखा जब तक आपके पास वो कपड़ा आ नहीं जाता. सो बट इट इज़ मच बेटर देन द हैसल ऑफ गोइंग ओवर देयर एंड बाइंग द प्रोडक्ट. आपको घर प्रोडक्ट आ जाती है विच इज़ द बेस्ट थिंग, और आपको जाना नहीं पड़ता. बाकी आई लाइक द ड्रेस, कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सॉफ्ट है. अब पहनोगे तो पता लगेगा कि ड्यूरेबल भी है कि नहीं है. बाकी ये इस शर्ट को जब मैंने डिप किया था तो मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, मैंने कहा एक शर्ट को डिप किया तो वो ठीक निकली है, अब दूसरे को क्या इसकी मैं वीडियो दोबारा से बनाऊं. एनी हाउ इसमें जो ब्लैक कलर की लाइन है ना वो उसका स्टेन इस शर्ट पे जगह जगह लग गया. उफ अल्लाह इतनी. उसके बाद फिर मैंने इनकी वेबसाइट से भी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की लेकिन वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया. यस जी के हैसल तो थोड़ा है कि आपको जाके नेक वाला पीस लगवाना और उसके बाद फिर जो है वो कपड़े जो है वो सिलने के लिए देना इज अ बिट हैसल. सो लेकिन आपको मेरा ख्याल है ऑनलाइन शॉपिंग में या जितने ब्रांड्स के कपड़ों में आपको 1100 और 1200 के में आपको एम्ब्रॉयडरी वाला ड्रेस जो है ना वो नहीं मिल सकता. बाकी ये है कि आप लोकल मार्केट में जितनी शॉप्स वगैरह हैं वहाँ पर आप सर्च करें तो आपको थोड़ा 11-12 हज़ार तक का जो है वो एम्ब्रॉयडरी वाला ड्रेस जो है वो मिल सकता है. और इंशाल्लाह जल्दी आपको एक स्टोर भी ऐसा शेयर करूँगी आपके साथ जिसमें आपको कम कीमत पर बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस एम्ब्रॉयडरी के मिल सकते हैं जो वर्थ बाइंग हो सकते हैं. सो या दिस इज माई होल वीडियो. होप यू लाइक माई वीडियो. इफ यू लाइक देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड द लव्ड वंस अराउंड यू. एंड बिफोर यू लीव यू कैन चेक आउट ऑल दिस माय प्रीवियस शॉपिंग वीडियोज इफ यू लाइक. एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. अल्लाह हाफिज़.